वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका टॉपिक जो कि है नोट मेकिंग। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा सो जाइए एंड कर लीजिए, बिकॉज बाकी सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगी। सो गो सब्सक्राइब नाउ। सो नोट मेकिंग आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 10 मार्क्स का आता है, जिसमें से डिविजन ऐसी है कि 5 मार्क्स के लिए तो आपको जो है नोट्स बनाने हैं एंड 5 मार्क्स के लिए आपको समरी लिखनी है। सो 10 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आता है। सो समझते हैं कि पहले नोट मेकिंग का मतलब क्या होता है। नोट्स हम किस चीज़ के लिए बनाते हैं? हम एक दूसरे से कहते हैं ना, हमें इंग्लिश के नोट्स चाहिए, हमें मैथ्स के नोट्स चाहिए या हमें साइंस के नोट्स चाहिए। हमें क्यों चाहिए होते हैं नोट्स? क्योंकि हम उससे बेटर रिकॉल कर पाते हैं, ताकि हमें आसानी हो बेसिकली कोई भी चीज़ को याद करने के लिए, इसीलिए हम नोट्स बनाते हैं। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, जब भी आप नोट्स बनाते हो हाँ, तो उसमें क्या आप सारी की सारी चीज़ें लिखते हो? बुक में तो बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, लेकिन आप वो सारी चीज़ें तो नहीं लिखते। उसमें से आप चुनते हो स्पेसिफिकली कौन सा पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है, उसी को आप बेसिकली अपने नोट्स में लिखते हो, है ना। तो इसमें भी आपको बिल्कुल सेम चीज़ करनी है। आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होगी वो पैसेज के फॉर्म में गिवन होगी, जैसे कि आपको अनसीन पैसेज में गिवन थी, ठीक है। उस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है एंड उसके बाद आपको उसके नोट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या देखना है? सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है नोट्स बनाते टाइम। सो चलिए देखते हैं। जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको उसके लिए जो पैसेज है उसको कम्प्लीटली पढ़ना पड़ेगा। एंड मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करती हूँ, जब आप पैसेज पढ़ते हो तो पैसेज में कुछ ना कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं कोई रीज़न होता है या कोई कॉज एंड इफेक्ट होते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जब आप पैसेज पढ़ते हो ना तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाते हैं, एंड ऑब्वियसली इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो जब आप पैसेज पढ़ रहे होते हो तो आप मेक श्योर एक पेंसिल अपने साथ में रखो, ताकि आप उनको अंडरलाइन करते रहो। जब आप नोट्स बनाओगे तो आपके लिए ईजी होगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो करनी है आपको वो है पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके क्वेश्चन में कहते हैं कि आपको टाइटल देना होगा उसको सूटेबल, या फिर उसको हेडिंग देनी होगी। अब टाइटल यानी कि आपको पैसेज जो गिवन है बेसिकली वो किस चीज़ पे है, आपको पढ़ के एनालाइज करके समझना है कि इस पर्टिकुलर चीज़ पे है ये पूरा का पूरा पैसेज, और मुझे उसके अकॉर्डिंगली इसको नाम देना है। सो आपको टाइटल देना होगा। अब टाइटल के बाद आपको बनानी है हेडिंग, एंड उसके बाद कंटिन्यू जो होगी हेडिंग के साथ वो होगी आपकी सब हेडिंग। टेंशन मत लो, दोनों चीज़ों का मैं आपको मतलब अभी के अभी समझाऊंगी। सो हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स आप कैसे बनाओगे? जैसे मैंने आपको कहा, जब आप पैसेज पढ़ते रहोगे तो आपको समझ आता रहेगा कि कौन सी पॉइंट जो है इसमें इम्पॉर्टेंट है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको कोई पैसेज आता है एंड उस पैसेज में हम कहते हैं चलो वो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में है, ठीक है। अब वहाँ पे डेफिनेटली एटलीस्ट मैं आपको इस बात के लिए 99% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कॉजेज दिए होंगे, ठीक है, कि कॉजेज क्या हैं ग्लोबल वार्मिंग के, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, हेडिंग कैसे बनाओगे कि ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज, ठीक है। ऐसे करके आप उसके बेसिकली बना दोगे एक हेडिंग टाइप, ठीक है। उसके बाद ही आप इसके नीचे लिखोगे जो भी कॉजेज होंगे, ठीक है, या ये हो जाएंगी आपकी सब हेडिंग्स, और जो आपकी हेडिंग है वो हो गई ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि हेडिंग क्या होगी एंड उसके अंदर जो पॉइंट्स क्या होंगे वो, एंड सब हेडिंग्स क्या होंगे जो इसके अंदर पॉइंट्स होंगे, ठीक है। सो पहले पढ़ लिया, फिर टाइटल दे दिया, फिर हेडिंग दी, एंड उसके बाद आपने सब हेडिंग दी। अब नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो आपको ओमिट करने हैं, मीनिंग दैट वर्ड्स जैसे कि इज आर, जो कि आप कह सकते हैं कनेक्टर्स हैं, वो आपको नोट मेकिंग करते टाइम नहीं लिखने हैं। फॉर इंस्टेंस इसी को देख लो, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये भी लिख सकती थी रीड द पैसेज केयरफुली,
मेक द टाइटल, गिव द हेडिंग एंड सब हेडिंग, एंड इसके बाद कोई ना कोई आप कह सकते हैं मैं यहाँ पे कनेक्ट करके पूरा सेंटेंस लिख सकती थी, लेकिन मैंने सेंटेंस नहीं लिखा, राइट? क्यों? क्योंकि उससे एटलीस्ट आपको समझ आ रहा है, रीड से आपको पता है कि आपको पैसेज रीड करना है, टाइटल से आपको पता चल रहा है कि आपको टाइटल देना है. जब आपका पूरा का पूरा मीनिंग जो है वो इसको पढ़ के ही क्लियर हो जाता है तो मैं यहाँ पे पूरी सेंटेंस क्यों लिखूँ? ये चीज़ आपको सोचनी है एट द टाइम जब आप नोट मेकिंग कर रहे हो. सो पूरे सेंटेंसेस मत लिखना, फ्रेजेस में लिखना, क्योंकि पूरे पूरे सेंटेंसेस अगर लिखोगे बुक की तरह हो जाएगा, आपको रिकॉल करना आसान नहीं होगा, ठीक है? इसीलिए हम पॉइंट्स में भी आंसर्स लिखते हैं, है ना, प्रैक्टिस करने के लिए, लर्न करने के लिए, ताकि हमें जल्दी से रिकॉल हो जाए कि वो पॉइंट में ये था, उस पॉइंट में वो था. एक कीवर्ड हम याद कर लेते हैं, फ्रेजेस जो है हम वो बना लेते हैं ताकि हमें जल्दी से जल्दी रिकॉल हो पाए. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आप हेल्पिंग वर्ब्स को ओमिट करोगे, आप हमेशा लिखोगे फ्रेजेस में, मतलब कंप्लीट सेंटेंसेस आप नहीं लिखोगे इन नोट मेकिंग, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सेंटेंस है जिसको आप फ्रेज में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, डोंट राइट द सेंटेंसेस, यूज फ्रेजेस, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ कि एक आइडियल नोट मेकिंग जो प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या चीज़ें करनी है, एंड हम देखेंगे फॉर्मेट क्या है. लेट्स सी. सो जो आपका एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है पेपर में, वो ये कि सबसे पहले आप फ्रेजेस में लिखो, सेंटेंसेस में मत लिखो. सेकंड चीज़ जो है वो है यूज़ ऑफ एब्रीवेशंस. अब ये एब्रीवेशंस क्या होती हैं मैं बताती हूँ. चलो एक वर्ड लेके देखते हैं हम, एजुकेशन, ठीक है? लेकिन आपको समझ तो आ रहा है ये एजुकेशन है. सो ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये हैं एब्रीवेशंस. जहाँ पॉसिबल हो, जहाँ वर्ड बहुत बड़ा हो एंड यूनिवर्सल, उस पर जो शॉर्ट फॉर्म है वो यूज़ करी जा सकती है. यानी कि आपको खुद वहाँ पे वर्ड की शॉर्ट फॉर्म्स नहीं बनानी है. जो वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी आप कह सकते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि एजुकेशन को हम EDU लिख सकते हैं, गवर्नमेंट को हम GOV लिख सकते हैं, प्राइवेट को हम क्या लिख सकते हैं, PVT लिख सकते हैं. ये मैं आपको एंड में बताऊंगी कुछ एब्रीवेशंस, ठीक है? इस तरीके से जहां पॉसिबल हो सकता है वो करना है आपको इनको यूज़. ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि एक लाइन में सिर्फ और सिर्फ एक ही एब्रीवेशन होनी चाहिए, एक से ज़्यादा एब्रीवेशन यूज़ मत करना. वन लाइन वन एब्रीवेशन, दैट टू जहाँ पे जो वर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड वो प्रोवाइडेड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एब्रीवेशन है. अब मुझसे पूछोगे मैम हम पढ़ने थोड़ी ना बैठ जाएंगे कि यूनिवर्सली कौन सी एक्सेप्टेड एब्रीवेशन है. कॉमन एग्जाम जो आपका क्वेश्चन आता है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं देगा, वो ऐसे ही वर्ड्स देगा जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे और जिनकी जो आप कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो आपको पता होंगी. तो यही है एब्रीवेशंस, यही आपको ध्यान में रखना है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एब्रीवेशंस ना हो. सो आपके पूरे नोट मेकिंग में आशित से एटलीस्ट 5 एब्रीवेशंस जो हैं वो होनी चाहिए. लास्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि 3 सब हेडिंग्स से ज़्यादा मत बनाना. अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, हम क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि ये नोट मेकिंग है एंड नोट्स का मतलब ही क्या है, आप उनको रिकॉल करने के लिए ईजीली छोटा करके कंसोलिडेट करके लिख रहे हो. अगर आपने अपना नोट मेकिंग बहुत बड़ा बना दिया तो फिर वो नोट्स थोड़ी ना रहे, आपके लिए भी रिकॉल करने के लिए याद नहीं होगा, या आप कह सकते हैं याद करने के लिए आसानी नहीं होगी. इसीलिए कोशिश करना सिर्फ 3 सब हेडिंग्स हो, उससे ज़्यादा मत हो. एंड फॉर इंस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये आपकी आंसर बुकलेट है, हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में, ठीक है? सो नोट मेकिंग स्टार्ट करना आप इधर से नोट मेकिंग स्टार्ट करना एंड विद समरी. आई एक्सपेक्ट एंड इवन द एग्जामिनर जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि 1.5 पेपर पे आपकी जो नोट मेकिंग है वो ख़त्म हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? आप कह सकते हैं 1 साइड ऑफ द पेपर एंड दूसरी तरफ की हाफ, या फिर अगर ऐसे है जैसे मैंने इसमें दिखाया है
तो एक साइड इधर और इधर तक, दैट्स इट। एंड ये भी मैं क्या कह रही हूँ, इंक्लूडिंग समरी करके कह रही हूँ मैं, ठीक है। याद रखना ये बात, क्योंकि नोट मेकिंग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें नोट्स में डाल दोगे तो आपसे भी लर्न थोड़ी ना होंगी, डेफिनेटली सी बात है, फिर वो नोट्स नहीं रहे, फिर ऐसा लगेगा कि आपने पैराफ्रेज करके जो आपने नोट्स में पढ़ा, जो आपने पैसेज में पढ़ा, वही सारी चीज़ें लिख रहे हो। पिक आउट इम्पॉर्टेंट, मतलब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वही आप नोट्स में मेंशन करोगे। ये तीन चीज़ें हैं, याद रखना। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि फॉर्मेट क्या होते हैं, सो ध्यान से देखना, समझना एंड कोशिश करना जितना हो सके, आप प्रैक्टिस करो ये। सो लेट्स सी द फॉर्मेट नाउ। सो ये है आपका नोट मेकिंग का फॉर्मेट, ठीक है। ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ये आपको, बिकॉज ये बोर्ड है, ये मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको ये रिलेट कर पाओ कि ये पेपर है। सो एज अ पेपर लेके चलते हैं हम इसको। सो सबसे पहले सबसे ऊपर आएगा आपका टाइटल एंड जो हेडिंग होगी, या हेडिंग या टाइटल, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो आप। याद रखना टाइटल और हेडिंग ये आपको खुद ही देनी पड़ेगी, ठीक है। टाइटल या फिर हेडिंग, और आई एम सेइंग ये आपको खुद ही देनी पड़ेगी, बिकॉज आपका जो नोट मेकिंग में पैसेज के बाद फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि आप इसके नोट्स बनाओ, आप इसको अप्रोप्रिएट टाइटल दो और एब्रीवेशन यूज़ करो, तो ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। टाइटल है इसीलिए सबसे ऊपर आएगा। सेकेंड हम देखते हैं सब हेडिंग, फिर इसके बाद हम सब हेडिंग देखते हैं। अब क्या आप यहाँ पे मेन चीज़ बता सकते हो, जो क्या आप यहाँ से देख सकते हो, समझ सकते हो? मैं समझाती हूँ। सो अब बेसिकली आप देख सकते हो कि ये जो मैंने गैप दिया है बिटवीन देम एंड बिटवीन देम, या फिर बिटवीन द मार्जिन एंड दिस, ये इक्वल है, ठीक है। यही बात को हम कहते हैं इंडेंटिंग। सो इंडेंटिंग का मतलब क्या हुआ, जो आपका गैप है फ्रॉम द मार्जिन, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपके पेपर में ये मार्जिन है। जैसे कि यहाँ पे लिखते हो ना क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे आता है फॉर इंस्टेंस, फिर आप यहाँ पे आंसर लिखते हो, है ना, तो ये जो बीच में मार्जिन आता है बेसिकली, इससे जो आपके पॉइंट्स हैं उनका गैप इक्वल होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है नोट बनाते टाइम। एज यू कैन सी मैंने इन दोनों के बीच में जो गैप है वो इक्वल रखा है, देन उसके बाद इसका और इसका सेम गैप है, इसका और इसका सेम गैप है, इन दोनों का सेम गैप है। एक तरह से देखते हैं आप यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहे हो, ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट के अंदर जो पॉइंट है, यानी कि जो सब हेडिंग के अंदर पॉइंट है वो यहाँ आएगा, इसका सेकंड पॉइंट यहाँ आएगा, फिर दूसरी सब हेडिंग यहाँ आएगी, इस तरीके से ये कंटिन्यू होगा। अब मैंने आपको बताया था कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी सब सब हेडिंग बनती है, मतलब क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है तो आप वो सारे एक पॉइंट के अंदर कवर नहीं कर सकते हो। इन दैट केस क्या करना होगा आपको, इन दैट केस जैसे मैंने यहाँ पे किया है, सब हेडिंग टू में एक पॉइंट लिखा, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो वो सब सब हेडिंग है। इन दैट केस आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बी लिखा है सब सब हेडिंग, ठीक है, तो इसके बाद भी पॉइंट यहाँ से शुरू नहीं होगा, बिकॉज इसके अंदर का सब पॉइंट है, तो वो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, वो यहाँ से नहीं शुरू हो सकता पॉइंट, ठीक है। याद रखना, आप कह सकते हैं एक हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं स्टेयरकेस पैटर्न को, ध्यान में रखना कोई भी जो पॉइंट है ज़रूरी है कि उसका जो गैप है मार्जिन से वो सेम हो, सब हेडिंग का सेम है, पॉइंट का सेम है। अब क्योंकि ये सब सब हेडिंग है, क्योंकि इसके अंदर भी पॉइंट्स हैं, इसीलिए हम इसको ट्रीट करेंगे इस तरीके से कि जो बाकी पॉइंट है वो थोड़ी सी और स्पेस के बाद होगा, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यूज होती है की। अब की में क्या होती है, जो भी आपने एब्रीवेशन लिखी हैं, अब आपका जो एग्जामिनर होगा उसको कैसे पता कि आपने क्या कौन सी यू नो एब्रीवेशन लिखी हैं, आपको उसको दिखानी पड़ेंगी। तो आप क्या करोगे, क्योंकि आपने सिर्फ उनकी शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हैं, पूरे वर्ड्स तो नहीं लिखे, इन दैट केस आप क्या करोगे, एक की बनाओगे, ठीक है, नंबर वन डालोगे, उसके आगे लिखोगे वर्ड, जैसे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का जी ओ वी लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है,
हाइफ़न डाल के आप लिखोगे पूरा वर्ड. सो जैसे कि फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताती हूँ, गवर्नमेंट, ठीक है, हाइफ़न डाल के पूरी की पूरी जो स्पेलिंग है गवर्नमेंट की वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे, ताकि हमारा एग्जामिनर ये समझ जाए कि हाँ इस वर्ड की फुल फॉर्म ये है. इस ये हम क्यों लिख रहे हैं, ये हम दिखा रहे हैं बेसिकली कि देखो हमने नोट मेकिंग में एब्रिवेशंस का यूज़ किया है, एंड एटलीस्ट 5 होनी चाहिए. ये मैंने जस्ट 1 लिखी है यहाँ पे. ये हम पेपर साइज में हम बेसिकली डील कर रहे हैं, ठीक है. ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है, इंडेंटिंग को फॉलो करना है, स्टेयरकेस पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है, सब सब हेडिंग टाइम आपको क्या करना है ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है, एंड की कैसे बनाओगे आप वो भी आपको ध्यान रखना है. सो ये जो पूरा का पूरा इंटायर चीज़ है ये आपकी 5 मार्क्स की होती है बेसिकली. तो इसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं, टाइटल के भी मार्क्स, सब हेडिंग के भी मार्क्स, उसके बाद हम देखते हैं सब हेडिंग 2 में अगर कोई सब सब हेडिंग है तो उसके भी मार्क्स. जैसे मैंने आपको बताया 3 से ज़्यादा मत लिखना, ठीक है, एंड उसके बाद इसके भी मार्क्स जो है काउंट होके टोटल आपके 5 मार्क्स लगते हैं. ये आपका था पूरा का पूरा फॉर्मेट. अब देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्लस 5 मार्क्स की क्या आती है, समरी आती है. तो समरी में क्या क्या चीज़ें लिखते हो आप, कैसे लिखते हो, ये मैं आपको अभी बताती हूँ. लेट्स सी. सो समरी राइटिंग जो अगेन आपकी 5 मार्क्स की आती है, ये समरी आपसे कभी भी नहीं पूछी जाती कि आप इसको नोट मेकिंग से पहले करो. हमेशा जब आप नोट्स बना चुके होगे उसके बाद ही आप लिखोगे. ये सेकेंड क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का इन द नोट मेकिंग. क्या करना है इसमें, सबसे पहले चीज़ें याद रखो. सबसे पहले जब आप समरी लिखते हो, ठीक है, समरी का मतलब होता है आप बहुत ही शॉर्ट में सारी की सारी जो पैराग्राफ था या सारा का सारा जो पैसेज था उसका मतलब बता रहे हो, ठीक है. शॉर्ट होनी चाहिए, आपके एग्ज़ाम में स्पेसिफिकली लिखा होगा नॉट मोर देन 100 वर्ड्स या फिर ओनली इन 100 वर्ड्स. 100 वर्ड्स आप कह सकते हैं आपके पेज पे हाफ पेज जो है आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, हाफ पेज ही कवर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. 100 वर्ड्स हमेशा इसको ध्यान में रखते हुए लिखना. 100 वर्ड्स की शॉर्ट समरी लिखोगे. अब समरी में दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे आप फ्रेजेस नहीं लिखोगे, यहाँ आप लिखोगे कंप्लीट सेंटेंसेस. लाइक आई टोल्ड यू, नोट्स में आपको या नोट मेकिंग करते टाइम आपको क्या करना है, फ्रेजेस लिखने हैं, लेकिन समरी लिखते टाइम पे आपको ऐसा नहीं करना. आपने नेट पे कभी समरी पढ़ी होगी, आपने नोट्स में कभी समरी पढ़ी होगी, आपने कभी देखा है वहाँ पे फ्रेजेस लिखे होते हैं, नहीं, उसकी जगह क्या लिखे होते हैं, कंप्लीट सेंटेंसेस. सो इससे आपका पता चलेगा बेसिकली कि आप कितनी समझ पाए उस पैसेज को और आपकी नोट मेकिंग कितनी अच्छी थी, ठीक है. सो कंप्लीट सेंटेंसेस. एंड थर्ड थिंग जो इसमें आपको ध्यान रखनी है वो ये है, एब्रिवेशंस आप इसमें यूज़ नहीं करोगे. एब्रिवेशंस आप कहाँ यूज़ करोगे, जस्ट इन नोट मेकिंग. समरी में आपको बेसिकली वो सारी चीज़ें करनी है जो आप नोट्स में नहीं करोगे, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट करना है, एक्सेप्ट व्हाट, कि वो शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है. सो समरी 100 वर्ड्स की होगी आपकी, सेंटेंसेस कंप्लीटली लिखोगे, फ्रेजेस नहीं लिखोगे, एब्रिवेशंस आप इसमें यूज़ नहीं करोगे. हाफ पेज में आपकी समरी कंप्लीट हो जानी चाहिए. मेक श्योर इससे ज़्यादा वो एक्सटेंड ना हो. तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका शीट ऑफ पेपर है एंड हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में, सो इधर आपका नोट मेकिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, एंड इधर आपकी समरी आ जानी चाहिए. परफेक्ट एग्जांपल होगा ये. या आप कह सकते हैं कि इन दोनों शीट्स को अगर हम मिला के देखें, नोट्स आप थोड़े से जो है यहाँ तक ख़त्म कर सकते हो और समरी यहाँ आ सकती है, ठीक है. सो मेक श्योर ऐसा ही आपका जो आंसर है या आंसर शीट है वो दिखे. नोट्स हैं, नोट्स का मतलब आपको समझना पड़ेगा, छोटे में लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है, एंड समरी में पूरा का पूरा आपको ओवरव्यू देना है. सो यही है आपकी समरी राइटिंग और यही था आपका नोट मेकिंग.